नमस्कार प्यारे दोस्तों, अश्विनी जीएस क्लासेज में आप सबका स्वागत है। मैं अश्विनी द्विवेदी आज आप लोगों के समक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के आया हूं। तो पिछले सेशन में जो टॉपिक हमारा चल रहा था इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, उसको हम लोग विस्तृत तरीके से चीज़ों को पढ़ रहे थे और समझ रहे थे। तो आइए हम फिर से इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और फिर से समझते हैं कि क्या चीज़ें हम लोग समझ रहे थे और किन चीज़ों को देख रहे थे। प्यारे दोस्तों, तो आप देख रहे थे, आपने क्या देखा, आपने देखा कि जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसके बारे में आप स्टडी कर रहे थे। बहुत सारी बातें मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तो ये लाइन देखिए, लाइन को ध्यान देना है आपको। जो लाइन में खींचा हूँ, ड्रॉ किया हूँ, जो कलर डिफरेंट कलर से, इस लाइन का बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इसको समझना होगा। समझ गए? ये देखिए जो ब्लू लाइन है आपका, ये देखिए जो ब्लू लाइन आपका यहाँ पर दिख रहा है, ये ब्लू लाइन आपको दिखाई पड़ रहा है। ये ब्लू लाइन जो है आपका, ये तो अर्थ क्रस्ट है। ब्लैक लाइन के ऊपर में जब आप देखेंगे तो अर्थ क्रस्ट है। ऊपर में क्या है? अर्थ क्रस्ट है। जीरो से लेकर के, जीरो किलोमीटर से लेकर के 33 किलोमीटर तक देखेंगे आप लोग, ये क्या है, ये आपका अर्थ क्रस्ट है। और रेडियस देखेंगे तो जीरो किलोमीटर से लेकर के यदि आप यहाँ तक आएंगे पृथ्वी का, ये एक भाग, चार भागों में से एक भाग का स्टडी करके अंदर तक हम जाकर बता रहे हैं चीजों को, हम पृथ्वी को समझ लेंगे। 6371 किलोमीटर की गहराई जो होती है यहाँ पे, इसकी आंतरिक भाग है, यही रेडियस होता है, पृथ्वी का त्रिज्या होती है। तो देखिए, भूपरपटी को भी दो भागों में बांटा जाता है, एक तो ऊपरी भूपरपटी और एक निचली भूपरपटी, है ना। एक जो है सो अपर अर्थक्रस्ट, एक लोअर अर्थक्रस्ट। अपर अर्थक्रस्ट और लोअर अर्थक्रस्ट के बीच में एक ब्लू लाइन है। इस ब्लू लाइन के सहारे आप जब यहाँ पे जाओगे, आगे बढ़ोगे, तो ब्लू लाइन को, मतलब ऊपरी भूपरपटी और निचली भूपरपटी को जोड़ने का कार्य कौन करता है? कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी करता है, कोनार्ड असंबद्धता करता है जोड़ने का काम। तो कोनार्ड असंबद्धता क्या है, समझ गए ना, कि जो ऊपरी भूपरपटी और निचली भूपरपटी को जोड़ने का काम करता है। इसे कॉपी में लिख लेना, समझ गए। अब इसके नीचे आओगे, तो नीचे जब आओगे तुम यहाँ पर 100 किलोमीटर के करीब जब आओगे यहाँ पर नीचे अंदर पृथ्वी के, जब जाओगे 100 किलोमीटर के अंदर, तो यहाँ पर तुमको मिलेगा ये, देखो ये तुमको दिखा नीला लाइन के नीचे। तो नीला लाइन के नीचे क्या मिलेगा तुमको, यह तो निचली भूपरपटी है, ये तो निचली भूपरपटी है ना जी। और ये क्या है, अब देखो निचली भूपरपटी ये है तुम्हारा, इसके नीचे जब आओगे सियाल हो गया तुम्हारा ये। अब भूपरपटी में 33 किलोमीटर तक सियाल सिल्का और एल्युमिनियम से बना है। इसके नीचे आओगे तो सीमा है, सिल्का एंड मैग्नीशियम, इसे मेंटल कहते हैं। क्या बोलते हैं? मेंटल कहते हैं इसे, सिल्का एंड मैग्नीशियम से बना हुआ है। मेंटल को दो भागों में बांटते हैं, कितने भागों में, दो भागों में बांटते हैं, कौन कौन, एक तो अपर मेंटल और नीचे होता है लोअर मेंटल। अपर मेंटल, लोअर मेंटल, तो अपर मेंटल और लोअर मेंटल के ऊपर जब जाओगे तो ये चीज और यहाँ पर तुमको सामने समझ में आएगी। तो कोनार्ड डिस्कंटिन्यूटी समझ गए हो ना। कोनार्ड डिस्कंटिन्यूटी क्या होता है, जो ऊपरी भूपरपट्टी और निचले भूपरपट्टी को जोड़ने का काम करती है उसी को बोलते हैं कोनार्ड डिस्कंटिन्यूटी कहते हैं, कोनार्ड असंबद्धता कहते हैं। लेकिन निचली भूपरपट्टी, निचली भूपरपट्टी और ऊपरी मेंटल, निचली भूपरपटी और ऊपरी मेंटल को जोड़ने का जो काम करता है, निचली भूपरपटी और ऊपरी मेंटल को जो जोड़ने का काम करता है, इसे क्या कहते हैं, इसे आप देख रहे हो कि ये जो तुम्हारा है, ठीक ना, ऊपरी मेंटल, ऊपरी मेंटल और निचली भूपरपटी को जोड़ने का जो काम करता है यह लाइन, रेड और ब्लू वाला लाइन, रेड और ब्लैक वाला लाइन जो देख रहे हो, इसे कहते हैं मोहोरोविसिस डिस्कंटिन्यूटी या मोहो डिस्कंटिन्यूटी, मोहो असंबद्धता कहते हैं। समझ गए, लिख लेना इस लाइन को। अब नीचे आओगे और ज्यादा, तो और ज्यादा तुम आओगे अगर, तो तुमको मिलेगा यहाँ पर देखो लोअर मेंटल, सॉरी अपर मेंटल। अपर मेंटल मतलब ऊपरी मेंटल, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल को जोड़ने वाली जो रेखा है, जो लाइन है, इसे कहते हैं रिपेटी डिस्कंटिन्यूटी। क्या बोलते हैं? रिपेटी डिस्कंटिन्यूटी कहा जाता है, रिपेटी डिस्कंटिन्यूटी कहा जाता है इसे, जो ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल को जोड़ने का कार्य करे, इसे रिपेटी डिस्कंटिन्यूटी कहा जाता है। प्यारे साथियों, यहाँ पर लोअर मेंटल में पी तरंग की गति 13.7 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, जबकि एस तरंग, सेकेंडरी वेव्स जो होते हैं भूकंप की, इनकी जो स्पीड है वह 7.3 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, 7.3 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। अब जब इसके नीचे आओगे मेंटल के नीचे, तो मेंटल के नीचे क्या है, क्रोड है ना, क्या है, क्रोड है। तो 1000 से लेकर के जब 2900 किलोमीटर के पास आओगे, तो यहाँ पर भी एक लाइन देखो है, ब्लू कलर का लाइन है, ब्लू कलर का लाइन है यहाँ पर। तो ब्लू कलर का लाइन भी तो एक यहाँ पर चीजों काम कर रही है ना,
ए आपका हो गया क्या, ये आपका हो गया जो है लोअर मेंटल, लोअर मेंटल और ऊपरी बाह, और ऊपरी बाह क्रोड, ऊपरी आउटर कोर इसे कहते हैं, है ना। आउटर कोर और लोअर मेंटल के बीच में जो जोड़ने वाली जो रेखाएं हैं, जो जोड़ने का काम करता है वह बिसर्ट गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी जोड़ता है, बिसर्ट गुटेनबर्ग्स डिसकंटिन्यूटी जोड़ता है या बिसर्ट गुटेनबर्ग्स असंबद्धता जोड़ने का काम करता है, इसे असंबद्धता कहा जाता है, गुटेनबर्ग्स असंबद्धता इसे कहते हैं, समझ गए, डिसकंटिन्यूटी। इसे ऊपरी निचली मेंटल, लोअर मेंटल और आउटर कोर, बाह्य कोर, बाह्य क्रोड और निचली मेंटल को जोड़ने का काम जो करेगा उसे गुटेनबर्ग्स डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। अब देखो इसके नीचे जब आओगे तुम 2900 किलोमीटर के नीचे आओगे तो 2900 किलोमीटर के नीचे 5150 किलोमीटर के पास यहाँ पर तो एक और लाइन यहाँ पर खींचा गया है। तो देखो क्रोड है नीचे, यहाँ से क्रोड आता है, इसे नीफे कहते हैं, दोनों क्रोड चाहे बाह्य क्रोड हो या आंतरिक क्रोड हो ये नीफे से बने हैं, निकिल एंड फेरस, नीफे मतलब NIFE, निकिल NI से निकिल, FE से फेरस, निकिल एंड फेरस लोहा की मात्रा यहाँ पर है। ये देखो जो मेंटल है ये लिक्विड पार्ट में है, जो आउटर क्रोड है ये भी थोड़ा सा लिक्विड पार्ट में है, लेकिन ये जो आपका आंतरिक क्रोड है ये पूरा ठोस है, इनर क्रोड आपका पूरा सॉलिड है, ठोस है, लोहा है यहाँ पर, जो गुरुत्वाकर्षण बल का भी काम करता है पृथ्वी के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख रहे हो कि बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड के बीच में एक लाइन है, इसको कौन जोड़ता है, बाह्य क्रोड और बाह्य क्रोड का निचला स्तर, बाह्य क्रोड का निचला स्तर और आंतरिक क्रोड का ऊपरी स्तर, बाह्य क्रोड का निचला स्तर और आंतरिक क्रोड का ऊपरी स्तर को जोड़ने का काम कौन करता है, तो लेहमान असंबद्धता जोड़ने का काम करता है, कौन करता है, लेहमान असंबद्धता जोड़ने का काम करता है, लेहमान डिसकंटिन्यूटी जोड़ने का काम करता है। दोस्तों ये आप इंटरनल स्ट्रक्चर को चीजों को देखा किस तरीके से काम किया। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं घनत्व के बारे में, किसकी बात करते हैं, तो घनत्व के बारे में बात करते हैं कि घनत्व क्या होता है। देखो घनत्व जो होता है ना, घनत्व को समझने के लिए हम लोगों को कुछ महत्वपूर्ण चीजों को समझना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, महत्वपूर्ण चीजों को हम लोगों को समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो चीजें क्या होती हैं कि दरअसल देखो भूपटल जो अर्थ क्रस्ट है, जो भूपटल होती है उसका अधिकांश भाग किससे बना है, भूपटल का अधिकांश भाग किससे बना है, तो भूपटल का अधिकांश भाग जो है वह महाद्वीपों से बना है, वह कॉन्टिनेंट से बना है, किससे बना है, कॉन्टिनेंट से बना है। भूपटल का, भूपरपटी का अधिकांश भाग महाद्वीपों से किससे बना है, महाद्वीपों से या जो है सो कॉन्टिनेंट से बना हुआ है, कॉन्टिनेंट को महाद्वीप कहते हैं हिंदी में, है ना, कॉन्टिनेंट इंग्लिश में, महाद्वीप हिंदी में, ठीक ना। तो महाद्वीप से बना हुआ है, जिनकी रचना किससे हुई है, जिनकी रचना जो है किससे हुआ है, तो सेडिमेंट्री रॉक से हुआ है, सेडिमेंट्री रॉक्स मतलब अवसादी चट्टानों से हुआ है, किससे हुआ है, अवसादी चट्टानों से हुआ है। जो भूपटल तुम जो देख रहे हो भूपरपटी, इसके अधिकांश भाग जो है महाद्वीप जो है ये किससे बने हैं, तो इसकी रचना जो है अवसादी चट्टानों से हुआ है, इस बात को भूलना मत। भूपटल या भूपरपटी या अर्थ क्रस्ट का मैक्सिमम पार्ट्स अधिकांश भाग किससे बना है, तो महाद्वीपों से बना है, जिसकी रचना अवसादी चट्टानों से हुई है, किससे हुई है, अवसादी चट्टानों से हुई है। दोस्तों अब इसका औसत घनत्व देखोगे कि औसत घनत्व इसका क्या है, तो औसत घनत्व इसका जो होता है, डेंसिटी जो होता है वह 2.7 है, कितना है, 2.7 है। इसके नीचे अग्नेय चट्टाने मिलती हैं, क्या मिलती हैं, इसके नीचे अग्नेय चट्टाने मिलती हैं, और क्या मिलती है, इसके नीचे अग्नेय चट्टाने मिलती हैं, और अग्नेय चट्टाने मिलती हैं जिनका घनत्व 3 या 3.5 होता है, क्या होता है, 3 या 3.5 होता है। अग्नेय चट्टानों का घनत्व कितना होता है, औसादी चट्टान के नीचे क्या होते हैं, औसादी चट्टान के नीचे जो होते हैं अग्नेय चट्टान होती हैं, क्या होती हैं, अग्नेय चट्टान होती हैं, तो अग्नेय चट्टान का जो घनत्व होता है वह 3 या 3.5 होता है। न्यूटन ने जो अपने गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्धांत दिया था, अपना जो है मैग्नेटिक फोर्स का जब उसने अपना सिद्धांत दिया था, तो पृथ्वी का घनत्व उसने क्या बताया, तो न्यूटन ने पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जब सिद्धांत दे रहा था तो उसने पृथ्वी का जो घनत्व बताया वो घनत्व उसने 5.5 बताया, कितना बताया, 5.5 उसने पृथ्वी का घनत्व बताया
अतः पृथ्वी के हम आंतरिक भाग में जब जाते हैं, पृथ्वी के आंतरिक भाग में हम जैसे जैसे जाते हैं तो घनत्व में क्या होता है, वृद्धि मिलता है। क्या मिलता है? घनत्व में वृद्धि मिलता है प्यारे दोस्तों, इंक्रीजमेंट मिलता है। कैसे इंक्रीजमेंट मिलता है आप देख सकते हो। तो देखो यहाँ पर 400 किलोमीटर पर कितना होता है, तो 400 किलोमीटर पर जो घनत्व होता है 3.5 होता है। कितना होता है? 3.5 होता है। 400 किलोमीटर अंदर जब जाओगे तो घनत्व मिलेगा 3.5 तुमको घनत्व मिलेगा, और जब उसके नीचे 2900 किलोमीटर पे जाओगे तो 2900 किलोमीटर पे क्या होता है, 2900 किलोमीटर पर क्रोड की सीमा है। या क्या है? 2900 किलोमीटर या क्रोड की सीमा है, समझ गए? यही तो गुटेनबर्ग है ना, विसर्ट गुटेनबर्ग जो है, यही ना 1914 में अपना जो है सो खोज किए थे, जो निचली मेंटल, जो निचली मेंटल और ऊपरी बाह्य क्रोड और ऊपरी बाह्य क्रोड को जोड़ने का काम करता है विसर्ट गुटेनबर्ग, जो डिसकंटिन्यूटी है, असंबद्धता है, या जोड़ने का काम करता है। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, जब यहाँ पर मेंटल के जब पास आओगे 2900 किलोमीटर पे आओगे, क्रोड की सीमा पे आओगे, तो क्रोड की सीमा पे जो पी तरंगे होती हैं, क्रोड की सीमा पर जो पी तरंगे होती हैं, इनका स्पीड जो होता है 12.6 से घटकर 12.6 से, मतलब 12.6 किलोमीटर प्रति सेकंड से घट करके 8.4 किलोमीटर प्रति सेकंड रह जाती हैं। मतलब भूकंप की तरंगे 2900 किलोमीटर की गहराई के पास क्या होती हैं, कम हो जाती हैं, घट जाती हैं। समझ गए? इस बात को भूलना मत, स्पष्ट रूप से याद कर लेना। तो 2900 किलोमीटर जो है यह क्रोड की सीमा है, यहाँ पर क्या होता है अचानक घनत्व बढ़ जाता है, अचानक यहाँ पर डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, जो 9.7 है। क्या है? 9.7 हो जाती है। कितना हो जाती है? 9.7। ऐसे 5.5 होती है, लेकिन बढ़ करके कितना हो जाती है? 10.5 हो जाती है। यहाँ पर 10.5 या 9.5 हो जाती है, मतलब इंक्रीज हो जाती है यहाँ पर दोस्तों, समझ गए? और यही जब आओगे, तुम आगे बढ़ोगे, जब रेडियस के पास आओगे, मध्य भाग में आओगे, तो 11 से 12 जो है सो हो जाता है घनत्व। कितना हो जाता है? 11 या 12 घनत्व हो जाता है यहाँ पर। तो बढ़ रहा है ना, जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर आ रहे हो घनत्व बढ़ता जा रहा है। इसे भी हम लोगों को इस तरंग के आधार पर, भूकंपीय तरंगों के आधार पर भी हम पृथ्वी के आंतरिक भागों को समझने में सुविधा मिलती है। अब आओ हम लोग तापमान की बात करें, टेम्परेचर क्या होता है। देखो 32 इस लाइन को लिख लेना, तापमान क्या होता है, टेम्परेचर। 32 मीटर की गहराई पर पृथ्वी के अंदर यदि तुम जाओगे, 32 मीटर की गहराई पर यदि तुम पृथ्वी के अंदर जाओगे तो 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान बढ़ जाता है। इसको भूलना मत, कॉपी में जरूर लिख लेना। 32 मीटर की गहराई पर जब तुम पृथ्वी के अंदर जाओगे तो 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान इंक्रीज हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे उसके बाद अंदर जाओगे, इसका मतलब यह नहीं कि तापमान हमेशा यहाँ तक, केंद्र तक बढ़ता ही जाता है, यहाँ से चलेंगे तो बढ़ता ही जाएगा। 32 मीटर की गहराई पर हम आए तो 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान बढ़ा, इसका मतलब ये नहीं कि जैसे जैसे अंदर आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे तापमान बढ़ता चला जाएगा, इसका यह रीजन नहीं है। तापमान बीच में क्या होता है, बढ़ता तो है लेकिन घटते हुए दर से बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? बढ़ता तो है जब भी तापमान में गहराई के साथ वृद्धि की दर घटती है, तापमान गहराई के साथ जब हम जाते हैं, गहराई में जाते हैं, तो उसके साथ जो होता है तापमान में गहराई के साथ वृद्धि दर क्या होती है, उसकी घटती जाती है, रिड्यूस होती जाती है। तो देखो तापमान क्या होता है, अब देखो यहाँ पर, ये देखो ना 100 किलोमीटर है तुम्हारा, यहाँ रेड और ब्लैक लाइन, मोर डिस्कंटिन्यूटी के आगे बढ़ो, यहाँ देखो तुम्हारा ये आ गए यहाँ पर 100 किलोमीटर, तो 100 किलोमीटर का तुम्हारा लाइन यहाँ पर है, 100 किलोमीटर पे देख रहे हो कितना सेल्सियस होता है, 1100 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस पे तापमान होता है, समझ गए? 1100 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। जब 2900 पे आओगे, 2900 पे क्या होता है, तापमान यहाँ पर बढ़ता है 3700 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 3700 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर होता है, 3700 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर होता है, समझ गए? 3700 डिग्री सेल्सियस होता है। जब आगे बढ़ोगे देख रहे हो, जिस गति से यहाँ पर बढ़ा उस गति से यहाँ पर नहीं बढ़ा, कुछ धीमा हो गया है। आगे बढ़ते हैं जब 5150 किलोमीटर के यहाँ पर आओ, जो लेहमान डिसकंटिन्यूटी है इसके यहाँ पे आओ, तो यहाँ पर क्या होता है, इस बिंदु के पास 4300 डिग्री सेल्सियस होता है, कितना होता है, 4300 डिग्री सेल्सियस, और जब यहाँ पर आते हैं, मध्य में आते हैं, त्रिज्या पे आते हैं, तो 5000 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है, कितना होता है, 5000 डिग्री सेल्सियस। तो पृथ्वी के आंतरिक तापमान पूछा जाएगा कि पृथ्वी के केंद्र की आंतरिक तापमान कितनी है, तो 5000 लगभग
5000 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान पाया जाता है, पृथ्वी के आंतरिक भाग का तापमान ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, समझ गए। अब अगर बात करें अगर हम लोग तो ये भी जो है सो तापमान के माध्यम से हम लोग पता चलता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में गर्म चीजें हैं, गर्म है जो गर्म मेंटल जो है ना, ये मेंटल में क्या होती है कि लिक्विड पार्ट में जो है चट्टाने पिघल जाती है गर्म के माध्यम से, क्या होता है चट्टाने पिघल जाती है, समझ गए, चट्टान लिक्विड पार्ट में हो जाते हैं और वही फिर ज्वालामुखी के रूप में जो है सो बाहर जब निकलते हैं तो अर्थ क्रस्ट के ऊपर तोड़ते हुए बाहर निकलते हैं और फिर लावा मैग्मा इत्यादि फैल जाते हैं, तभी तो अर्थ क्रस्ट को फॉर्मेशन होने में जो है सो अग्नेय शैल का भी योगदान होता है ना, समझ रहे हो बात को, ये सब बताऊंगा मैं आगे आपको जब रॉक्स वगैरह पढ़ाएंगे तो आप इसी तरीके से बताएंगे वहां पर। तो ये तो आप देख रहे हो यहाँ पर, आपने यहाँ पर ये देखा भी कि भूपटल की जो अधिकांश भाग है वह औषधीय चट्टानों से बनी हुई है, किससे बना है महाद्वीपों से बना है, जिसकी रचना महाद्वीपों की रचना किससे हुई है औषधीय चट्टानों से हुई है ज्यादा, लेकिन और उसके नीचे जब आओगे तो उसके नीचे रचना अगर देखोगे तो उसके बाद नीचे क्या आती है तो अग्नेय चट्टान ही तो आती है ना नीचे उसके, और सारी चट्टान के नीचे अग्नेय चट्टानें रहती हैं क्योंकि लावा मैग्मा जब बाहर निकलता है तो वे ठंडा होकर के वे जम जाते हैं और फिर वही जो है चट्टान का निर्माण कर देते हैं वो भी, समझ गए। अब देखो यहाँ पर तापमान भी देख लिए, घनत्व भी देख लिए, अब दाब देखो, दाब प्रेशर क्या होता है, तो प्रेशर के बारे में बहुत स्पष्ट शब्दों में अपने कॉपी में नोट कर लेना प्यारे बच्चों कि जो दाब होता है जो प्रेशर होता है वह पृथ्वी के आंतरिक भाग में, पृथ्वी के आंतरिक भाग में अर्थ के इनर पार्ट में, अर्थ के इनर पार्ट में पृथ्वी के आंतरिक भाग में एक वर्ग सेंटीमीटर पर पड़ने वाले भार को, पृथ्वी के आंतरिक भाग में एक वर्ग सेंटीमीटर पर पड़ने वाले भार को क्या कहते हैं, दबाव कहते हैं, क्या बोलते हैं दबाव कहते हैं, लिखे ना इसे, यह दबाव जो होता है चट्टानों के भार से उत्पन्न होता है, यह दबाव कैसे उत्पन्न होता है चट्टानों के भार से उत्पन्न होता है यह दबाव, समझ गए। और जब 50 किलोमीटर की गहराई पे जाओगे, जब 50 किलोमीटर की गहराई पे जब अंदर बढ़ोगे, 50 किलोमीटर की गहराई पर जब अंदर बढ़ोगे, यहाँ से बढ़ो या यहाँ से बढ़ो एक ही बातें हैं, तो 50 किलोमीटर की गहराई पे जब अंदर बढ़ोगे तब क्या होगा वहाँ पर, तो वहाँ पर तुमको दाब कितना मिलेगा, 50 किलोमीटर जब अंदर गहराई में जब घुसोगे तो तुमको ताप, तब वहाँ पर तुमको दाब कितना मिलेगा, तुमको वहाँ दाब मिलेगा 13,000 गुना वायुमंडलीय भार, क्या मिलेगा 13,000 गुना वायुमंडलीय भार, 50 किलोमीटर अंदर जब जाओगे पृथ्वी के अंदर तो वहां पर 13,000 गुणा वायुमंडलीय भार तुमको दबाव मिलेगा वहां पर, और इस गहराई पर मतलब प्रत्येक वर्ग सेंटीमीटर पर जो क्षेत्रफल, प्रत्येक वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल पर, प्रत्येक वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल पर 13 टन का भार पड़ता है, कितने का भार पड़ता है 13 टन का भार पड़ता है, समझ आ गया। जब इसके बाद और अंदर जाओगे और गहराई में जब जाओगे तो और गहराई का मतलब कहाँ पे, तो और गहराई में तुम 2900 किलोमीटर पे आ जाओ, तो 2900 किलोमीटर पे जब यहाँ पे पहुँचोगे दोस्तों तो यहाँ पे दबाव या दबाव कितना होता है, 2900 किलोमीटर पे दबाव जो होगा तुम्हारा यह कितना होगा, तो 13 लाख होगा, 13 लाख वायुमंडलीय भार होगा, कितना होगा 13 लाख वायुमंडलीय भार होगा 2900 किलोमीटर के यहाँ पे, 13 लाख वायुमंडलीय भार होगा तुम्हारा यहाँ पर दबाव, समझ रहे हो बात को। इसके बाद जब तुम यहाँ पर क्रोड पे आओगे, जब यहाँ पर आओगे क्रोड पे, जब आंतरिक पृथ्वी के आंतरिक भाग में आओगे, जो केंद्र में आओगे, जब पृथ्वी के बीच के केंद्र में आओगे तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर तुम्हारा भार जो है 35 लाख से 40 लाख वायुमंडलीय भार होता है, 35 लाख से 40 लाख वायुमंडलीय भार होता है, समझ गए बात को, लिख लिया तुमने कॉपी में, कैसे लिखा तुमने, तो 50 किलोमीटर की गहराई पर जब जाएंगे तो कितना होगा 13,000 गुना वायुमंडलीय भार होता है, मतलब 13 टन प्रति वर्ग क्षेत्रफल, समझ में आ गया, 13 टन प्रति वर्ग क्षेत्रफल, समझ गए कितना होता है। और जब 2900 किलोमीटर पे आओगे तो यहाँ पर कितना होता है 13 लाख होता है, क्या होता है 13 लाख होता है, जब पृथ्वी के केंद्र में आओगे तो यहाँ पर 35 लाख से 40 लाख वायुमंडलीय भार होता है, 35 लाख से 40 लाख वायुमंडलीय भार यहाँ पर तुम्हारा होता है, जो तुम इस चीज़ को भी समझते हो और जानते हो, समझ गए, यहाँ तक तुम लिख लिए होगे इस बात को। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट आपने देखा, आपने ये जो बताया हो तुमको जो है डिसकंटिन्यूटी, इसको अच्छे तरीके से समझ लेना और याद कर लेना, कभी भूलना नहीं चाहिए तुम्हारे दिमाग से यह चीज़, ठीक है ना। इसमें मैंने दाब भी पढ़ाया और टेम्परेचर भी पढ़ाया, समझ गए, दाब भी है टेम्परेचर भी है, दाब देख रहे हो ना 3.400 किलोमीटर पर दाब कितना है 3.5,
जब 2900 किलोमीटर पे आते हैं इसके ऊपरी भाग में मतलब लोअर मेंटल में आते हैं तो 5.5 होता है। लेकिन यहाँ पर अचानक क्योंकि अब क्रोड का सीमा है 2900 किलोमीटर क्रोड का सीमा है यहाँ अचानक बढ़ जाता है और 10.5 हो जाता है घनत्व। घनत्व मतलब डेंसिटी। और जब केंद्र में आते हैं तो 11 या 12 डेंसिटी हो जाता है। समझ गए। तापमान भी वैसे ही बढ़ता है लेकिन जैसे जैसे अंदर बढ़ते हैं वैसे वैसे तापमान में बढ़ने की दर क्या होता है घटता जाता है। समझ गए। अब आओ हम लोग देखने वाले हैं जो महाद्वीप के जो कंटिनेंट होते हैं कंटिनेंट का जो अर्थ क्रस्ट होता है ना किसी भी कंटिनेंट का जो अर्थ क्रस्ट होता है ऊपरी भाग जो होती है जो अर्थ क्रस्ट जो ऊपरी भाग होती है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझे। देखो 0 किलोमीटर से जब आगे बढ़ोगे नीचे बढ़ोगे तो 0 किलोमीटर से जब नीचे बढ़ोगे ना यहाँ पे 20 किलोमीटर है ना तो ये अवसादी चट्टान है। क्या है? अवसादी चट्टान से बना है सेडिमेंट्री रॉक्स है। क्या है? सेडिमेंट्री रॉक्स है। सब सेडिमेंट्री रॉक्स बना हुआ है। ये सब सेडिमेंट्री रॉक्स है तुम्हारा। क्या है? सेडिमेंट्री रॉक्स है तुम्हारा है। समझ रहे हो बात को। इसके नीचे जब जाओगे 20 किलोमीटर के नीचे जब जाओगे तुम्हारा ग्रेनाइट है। क्या है? ग्रेनाइट मतलब कायांतरिक चट्टान समझते हो ना ये तुम्हारा ग्रेनाइट है। समझ में आ गया। इसके बाद नीचे जब जाओगे 40 किलोमीटर के नीचे तुम्हारा बेसाल्ट होता है। क्या होता है? बेसाल्ट होता है तुम्हारा। क्या है? बेसाल्ट है तुम्हारा। समझ गए। बेसाल्ट क्या है? बेसाल्ट है तुम्हारा। इसके नीचे जब जाओगे 50 किलोमीटर के नीचे जाओगे ये तो ऊपरी मेंटल हो गया क्योंकि 33 किलोमीटर तक ही बताया हूँ वो तो मैं बताया हूँ 70 किलोमीटर ये ऊपरी मेंटल भाग आ जाता है। क्या जाता है? ऊपरी मेंटल आ जाता है जो यहाँ पर देख रहे हो। देख रहे हो ना कि ऊपरी मेंटल देख रहे हो यहाँ पर ऊपरी मेंटल और निचली भूपरपट्टी ऊपरी मेंटल और निचली भूपरपट्टी को कौन सी जोड़ता है कौन जोड़ने का काम करता है तो मोहो डिस्कंटिन्यूटी जोड़ता है। ऊपरी मेंटल निचली भूपरपट्टी को कौन जोड़ता है तो मोहो डिस्कंटिन्यूटी मोहो असंबद्धता जोड़ने का कार्य करता है। समझ गए। मोहो असंबद्धता जोड़ने का कार्य करता है। अपने कॉपी में जरूर नोट करके तब इसको पढ़ना तब मजा आएगा तुमको। समझ गए। और ये तुम्हारा ऊपरी मेंटल है अपर मेंटल का पार्ट आ जाता है यहाँ पर तो यह कंटिनेंट का तुम्हारा अर्थ क्रस्ट है। कंटिनेंट का अर्थ क्रस्ट का फिगर तुमने अलग से बताया। पहले अवसादी होता है फिर ग्रेनाइट होता है फिर बेसाल्ट होता है हाँ लगभग 10 किलोमीटर लगभग 20 किलोमीटर तक अवसाद उसके नीचे जो है सो ग्रेनाइट रहेगा नीचे है ना उसके बाद बेसाल्ट रहेगा उसके बाद ऊपरी मेंटल का पार्ट आ ही जाता है जो लिक्विड पार्ट में है तुम्हारा जो सिलिका है मैग्नीशियम से बना हुआ है। समझे। ये महत्वपूर्ण पॉइंट तुमने यहाँ पर देखा। कुछ और महत्वपूर्ण चीजों को हम तुमसे चर्चा करेंगे जैसे क्या होता है एक होता है जोन ऑफ लो वेलोसिटी। जोन ऑफ लो वेलोसिटी होता है न्यू गति का मंडल। क्या होता है? न्यू गति का मंडल। न्यू गति का मंडल किसे कहते हैं? न्यू गति का मंडल ये ध्यान से समझना। न्यू गति का मंडल किसे कहते हैं? तो न्यू गति का मंडल मतलब लो वेलोसिटी जोन किसे कहते हैं? न्यू जोन मतलब कि जोन ऑफ लो वेलोसिटी किसे कहते हैं? न्यून गति का मंडल किसे कहते हैं? देखो ऊपरी मंडल में भूकंपीय तरंगों की गति मंद पड़ जाती है। ऊपरी जो होता है आपका ऊपरी मेंटल में भूकंपीय तरंगों की गति क्या होती है कि मंद पड़ जाती है। क्या हो जाता है? मंद पड़ जाता है मतलब 7.8 किलोमीटर प्रति सेकंड इनका रफ्तार होता है 7.8 किलोमीटर प्रति सेकंड। ऊपरी मेंटल में भूकंप की जो तरंग होती है वे मंद पड़ जाती है। क्या हो जाती है? मंद पड़ जाती है। इसी कारण से ऊपरी मेंटल को क्या कहा जाता है? अपर मेंटल इज आल्सो कॉल्ड जोन ऑफ लो वेलोसिटी। अपर मेंटल दैट इज आल्सो कॉल्ड जोन ऑफ लो वेलोसिटी। न्यून गति का मंडल किसे कहते हैं? इसे क्या बोलते हैं? न्यून गति का मंडल किसे कहा जाता है? अपर भाग को अपर मेंटल को बोलते हैं। समझ में आ गया। अब यदि तुम देखोगे कि एक 1924 में क्लार्क महोदय थे। कौन थे? क्लार्क महोदय। थोड़ा सा एक बात को समझ लेना प्यारे बच्चों कि ये जो टेबल मैंने तुमको बना जो ग्राफ तुमको मैंने बताया है ये ग्राफ जो बनाया यह एक भूवैज्ञानिक ही बनाए थे जिनका नाम था K.E. Boulen। और क्या नाम था? K.E. Boulen नाम था उनका। क्या नाम था? K.E. Boulen नाम था उनका। इस नाम को मैं लिख दे रहा हूँ। क्या नाम था? K.E. Boulen Boulen K.E. Boulen ने इस ग्राफ को बनाया था। उसी ग्राफ के माध्यम से मैंने आपको समझाने का कोशिश किया बहुत ही अच्छे तरीके से। ये आपने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ को समझा और ये आप केवल कंटिनेंट को समझे। किसे समझे? कंटिनेंट को मतलब महाद्वीपीय भूपरपटी की परिच्छेदिका के बारे में आपने पढ़ा।
महाद्वीपीय भूपर्पटी के परिच्छेदिका, मतलब कंटिनेंट का जो अर्थ क्रस्ट है, किसी भी कंट्री से इंडिया है तो इंडिया का जो अर्थ क्रस्ट है, जो एशिया है, एशिया का जो अर्थ क्रस्ट है, सबसे ऊपरी भाग जो है उसका कुछ भाग तक हम लोग कितनी गहराई तक देखे, तो ये 70 किलोमीटर की गहराई तक की स्टडी हमने किया। पहले औसादी, फिर ग्रेनाइट, एंड्रिट, फिर बेसाल्ट, फिर ऊपरी मेंटल होता है, समझ गए इस स्थिति को हम लोगों ने देखा। तो अब यहाँ पर एक चीज और तुम देखोगे, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि देखो जब गुटेनबर्ग पे आते हो तो गुटेनबर्ग पर मैं तुमको यहाँ पर बता चुका हूँ कि यहाँ पर पी तरंगों की गति 12.6 से घटकर 8.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाती है। तो एक बात देखो कि 1924 में एक भूवैज्ञानिक थे, 1924 में उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्लार्क या वाशिंगटन ने अपनी गणना किया और बताया कि 13 किलोमीटर की गहराई पर जब आप जाते हो, 13 किलोमीटर की गहराई पे जब आप जाते हो तो 13 किलोमीटर की गहराई पे प्यारे साथियों जब जाते हो तो 95% अग्नेय है वहाँ पर। क्या है? 95% अग्नेय है। 13 किलोमीटर की क्लार्क और वाशिंगटन ने 1924 में अकाउंटिंग करते हुए उन्होंने बताया कि अर्थ के 13 किलोमीटर जब अंदर जाओगे, अंदर आओगे 13 किलोमीटर ऊपर से, नीचे जब आओगे 13 किलोमीटर नीचे, तो वहाँ पर उन्होंने बताया कि पृथ्वी का 13 किलोमीटर में 95% भाग किसे बना है, अग्नेय चट्टानों से बना है। किसे बना है? अग्नेय चट्टानों से बना है, क्योंकि ज्वालामुखी उद्गार जब हुआ तो लावा जो बाहरें आई वो फिर जम गई, जम करके वही अग्नेय चट्टानों से निर्मित हुई हैं। और 4% सैल्स होता है, क्या होता है, 4% सेल्स होता है, 0.75% बलुआ पत्थर होता है, सैंडस्टोन होता है, 0.074% बलुआ पत्थर होता है, 0.25% चूना पत्थर होता है। मतलब यह तय है कि अधिकांश भाग 13 किलोमीटर जब जाओगे पृथ्वी के अंदर, 13 किलोमीटर जाओगे तो वहाँ का अधिकांश मतलब 95% भाग अग्नेय चट्टानों से ही बना हुआ है। किससे बना है? अग्नेय चट्टानों से ही बना हुआ है। भूपर्पटी जो होती है संपूर्ण पृथ्वी का, भूपर्पटी जो है तुम्हारा, भूपर्पटी अर्थक्रस्ट या संपूर्ण पृथ्वी का कितना है, क्वेश्चन पूछेगा तो क्या बताओगे, भूपर्पटी संपूर्ण पृथ्वी का कितना है, तो भूपर्पटी संपूर्ण पृथ्वी का कितना है यदि पूछा जाएगा तो कितना बताओगे, 0.7% है। भूपर्पटी संपूर्ण पृथ्वी का कितना है तो 0.7% है, 0.7% है, इस बात को भूलना मत। जबकि मेंटल कितना है, तो मेंटल ज्यादा है ना, मेंटल कितना है, मेंटल तुम्हारा 67.8% है, कितना है 8% है मेंटल। और क्रोड कितना है तो 31.5%, क्रोड कितना है 31.5% है, दोनों को मिलाकर बाह्य क्रोड आंतरिक क्रोड दोनों मिलाकर 31.5% है। कुल पृथ्वी का पृथ्वी का बात किया जाए तो भूपर्पटी संपूर्ण पृथ्वी का 0.7% भाग है, 0.7% भूपर्पटी है, भूपर्पटी कितना है 0.7% है। और मेंटल कितना है तो 67.8%, सबसे ज्यादा यही मेंटल ही है, और सबसे सेकंड पे 31.5% आपका क्रोड है या कोर है, समझ गए। भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा किसकी है, भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा किसकी है तो कार्बन डाइऑक्साइड की है। भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा किसकी है तो भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड की है, 46.71%, कितना है 46.71% है, समझ गए, कितना है 46.71% है, इस बात को भूलना मत, कितना है 46.71% है, समझ गए, इस बात को भूलना नहीं। उसके बाद देखोगे सिलिकॉन सेकेंड स्थान पे है, 27.6% है, सेकेंड स्थान पर कौन आता है, सिलिकॉन आता है। भूपर्पटी में मात्रा सबसे अधिक किसका है तो कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2 का है, 46.7% है, और सिलिकॉन दूसरे स्थान पर है 27.6% है, एल्युमिनियम तीसरे पे है 8.0% है, लोहा 5.0% है, कितना है लोहा 5.0% है, कैल्शियम 3.6% है, और सोडियम 2.7% है, पोटेशियम 2.5% है, मैग्नीशियम 2.0% है, ये 8 तत्व हैं जो तुम्हारे टोटल 98.58% है। सबसे कम क्या है तो स्ट्रोटीरियम जो है भूपर्पटी में, स्ट्रोटीरियम जो है आपका वह सबसे कम है, स्ट्रोटीरियम सबसे कम है 0.018%। यदि आयतन की बात किया जाए कि आयतन क्या है तो भूपर्पटी की कुल आयतन का 94% भाग CO2 है।
भूपर्पटी की कुल आयतन का 94% भाग क्या है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है। मेरे प्यारे दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा